दोस्तों यहाँ पर जो बिहार विधानसभा सचिवालय के लिए अलग अलग पोस्टों पर फॉर्म आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह करना चाहते हैं, भले ही किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हो, क्योंकि वेबसाइट सेम है और सेम तरीके से यहाँ पर फॉर्म को फिल करना पड़ता है। और आपके सामने कुछ ना कुछ एरर वगैरह आ रहा है। जैसे कि एरर क्या आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर अपना नया रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर आ जाता है। या फिर आप नए रजिस्ट्रेशन जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तब आपको क्या करना है, मतलब इस चीज़ को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। तो सबसे पहले तो जो आपने देखा भैया, जो मेरे सामने एरर आ रहा था उसमें कुछ ना कुछ लिख कर आ रहा था, तो उसके लिए आप बैक करके यहाँ पर पेज को दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं और दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। अब आप ये बोलेंगे भैया यहाँ पर भी तो रजिस्ट्रेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर आप दोबारा से बैक कर सकते हैं। आप क्या करिए, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर जो ऊपर लिंक लिख कर आ रही है इस वाले पेज की, इसको आपको कॉपी कर लेना है। और इसके बाद आप चाहे तो मोबाइल में, अगर आप मोबाइल में कोई भी ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर राइट साइड में जब आप क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ, वहाँ पर इनकैग्नेटो विंडो का ऑप्शन आएगा, जैसे कि इस यहाँ पर आता है। मैं यहाँ पर तीन बिंदियों पर क्लिक करूंगा। चाहे आप कोई भी ब्राउजर चला रहे हो, चाहे आप क्रोम ब्राउजर चला रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स चला रहे हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ब्राउजर चला रहे हो, आपको सिंपली यहाँ पर तीन बिंदियाँ जो ऊपर साइड में बनकर आ रही है, या फिर तीन लाइन बनकर आती है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू इनकैग्नेटो विंडो का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और जो लिंक आपने कॉपी करी थी वेबसाइट की, उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है सिंपली और एंटर दबा देना है। अब आपके सामने दोबारा से वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वही सेम पेज ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने सभी पोस्ट वगैरह यहाँ पर लिख कर आए हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक थी दोस्तों, मैंने भी कई बार लगा रहा है इसमें, मेरे को ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर किस तरीके से मुझे रजिस्ट्रेशन करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वगैरह आपको मिल जाता है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो भी कोई छोटी सी देखिए आपको प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल गया, तो इसी बात पर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों को अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।